पाकिस्तान टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां लंबे समय के बाद बाबर आजम बतौर खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे, तो वहीं कप्तानी छोड़ने के बाद बाबर आजम का पूरा फोकस अपने बल्लेबाजी पर है, जिसे लेकर वो नेट्स में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में भी इस खिलाड़ी के फैंस हैं, जिसका नजारा पीसीबी के नए वीडियो में देखने को मिला। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद शान मसूद ने टेस्ट का कप्तान बनाया गया और शाहिनी को T20 की कप्तानी दी गई। दूसरी ओर पाकिस्तान टीम के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने से नाखुश थे। इन दिग्गजों का कहना था कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़कर गलत किया और उनको दबाव में डालकर कप्तानी छोड़ने को कहा गया था। वर्ल्ड कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान टीम अपनी पहली सीरीज खेलने जा रही है। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी और पाक टीम कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। तो वहीं इस टूर पर सिर्फ टेस्ट सीरीज मैच खेली जाएगी, जिसमें कुल 3 टेस्ट मैच होंगे। पहला टेस्ट मैच 14 से 18 दिसंबर तक होगा, तो दूसरा 26 से 30 दिसंबर तक होगा और तीसरा टेस्ट मैच 2024 में यानी कि 3 जनवरी से 7 जनवरी तक होगा। तो वहीं इस टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज का आयोजन होगा। बता दें कि बाबर आजम और धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली के बीच अक्सर तुलना होती रहती है। इनमें ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर स्टीव स्मिथ का भी नाम जिक्र होता है। अब पाकिस्तान में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने भी बाबर आजम और स्मिथ के बीच की तुलना में विराट कोहली का जिक्र किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पर उतरने वाले बाबर आजम पर सबकी निगाहें रहेंगी। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे में 2 टेस्ट मैचों में 1 शतक की बदौलत 52.5 के औसतन से 278 रन बनाए थे। बाबर को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बताते हुए ख्वाजा ने कहा कि बाबर आजम इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। नए कप्तान शान मसूद के नेतृत्व में पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर से 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। इसके लिए पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। इन बीच ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी राय रखी है। ख्वाजा ने कहा कि बाबर आजम यानी कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। ख्वाजा ने यहां तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले पाकिस्तान टीम सबसे मजबूत टीमों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पर उतरने वाले बाबर आजम पर सबकी निगाहें रहेंगी। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौर में 2 टेस्ट मैचों में से 1 शतक की बदौलत 52.5 के औसतन से 278 रन बनाए थे। बाबर को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बताते हुए ख्वाजा ने कहा कि बाबर आजम इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। 36 साल के ख्वाजा ने कहा कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। स्वीट स्मिथ मौजूदा दौर में महानतम बल्लेबाजों में शामिल हैं। जब ये दोनों यानी कि बाबर आजम और स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो ये रोमांचक मुकाबला होगा। बाबर की स्मिथ में तुलना करने वाला लगभग स्मिथ की विराट कोहली से तुलना करने जैसा है। ये केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ा था। उन्होंने साथ ही कहा कि अब्दुल्ला सफीक और इमाम उल हक भी पाकिस्तान की टीम को मजबूत बनाते हैं।